Hey guys, welcome back to another video. And guys, आज के इस वीडियो में बताऊंगा guys, अगर आप TikTok यूज करते हो, आपने TikTok पे एक इस तरह की क्लोथ चेंज वाली वीडियो तो देखी होगी guys, इसमें कपड़े अपने आप चेंज हो जाते हैं guys. अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो तो guys, आपको करना क्या होगा यार, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. सो गाइज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइज अभी घंटी का निशान है उसे प्रेस करो. सो गाइज, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए गाइज आपको सबसे पहले दो तीन वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी गाइज. मैंने अभी दो तीन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है. और गाइज, एक आपको एप्लीकेशन जिसका मैं काइन मास्टर, तो गाइज काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं. काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तीन साइज शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो बीच में साइज है 9x60 वाला उसे सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट करने के बाद गए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है मीडिया, क्लिक करना है. और यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है बैकग्राउंड, क्लिक करना है. और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है. ओके, और यहाँ पे टिक का निशान है, टिक करना है. और गाइज जो ब्लैक बैकग्राउंड उस पर क्लिक करना है, इसे गाइज खींच लेना है. लंबी का लेन लेयर, वहाँ पर टिक का निशान है, टिक करना है. और गाइज इसे फर्स्ट खिसका लेना है. और फिर जाना मैं लेयर पे, लेयर पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट में ऑप्शन है मीडिया, क्लिक करना है. और गाइज हमने जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है उसे सिलेक्ट करना है. ओके, सो गाइज मैं यहाँ से का वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ. वीडियो सिलेक्ट करने के बाद गाइज अब इसका साइज यहाँ पे फुल कर लेना, ठीक है. साइज फुल करने के बाद गाइज आपको वीडियो को आगे खिसकाना है. तो गाइज मैंने यहाँ से वीडियो स्टार्ट होने में यहाँ पे रुक जाता हूँ. वीडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैंची का निशान आ चुका है, उस पर क्लिक करना है. इसे गाइज ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है. और गाइज इस वीडियो को गाइज आपको फर्स्ट किसका लेना है. और गाइज अब देखने गाइज यहाँ पे ये एक्सटेंड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रुक जाना है. गाइज थोड़ा पीछे कर लेते हैं, और यहाँ पे रुक जाना. ओके, यहाँ पे रुक जाना. रुकने के बाद वीडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैंची का निशान है, क्लिक करना है ट्रिम टू राइट. ओके, कट कर लेना. और आपको जाना है फिर से लेयर पे, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक वीडियो को और सिलेक्ट कर लेना है. सो मैंने यहाँ पे ये वीडियो सिलेक्ट की, इसका साइज यहाँ पे फुल कर लेना है. साइज फुल करने के बाद गाइज वीडियो को आगे स्कैन है. और गाइज मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट रख लेता हूँ. वीडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैंची का निशान आ चुका है, क्लिक करना है ट्रिम टू लेफ्ट. और गाइज आप यहाँ पे दोनों को यहाँ पे जोड़ एंड कर लेना है. तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ दोनों को यहाँ पे, यहाँ पे. सो यहाँ पे गाइस जुड़ चुके हैं. और गाइस यहाँ पे देख लीजिए कपड़े चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए ये चेंज हो चुके हैं. और गाइस यहाँ पे वीडियो आगे खिसकानी है यहाँ पे, और रुक जाना है. वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैंची का निशान है, क्लिक करना है ट्रिम टू राइट. ओके, टिक करना है. और गाइस आपको जाना है लेयर पे, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक वीडियो को और सिलेक्ट कर लेना है. सो मैं यहाँ से एक वीडियो को और सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका साइज यहाँ पे फुल कर लेना है. साइज फुल करने के बाद गाइस आपको वीडियो खिसकानी, और गाइस यहाँ पे रुक जाना है, और वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची का निशान है, क्लिक करना है ट्रिम टू लेफ्ट. और गाइस यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ा एंड कर देना है. सो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया दोनों को. और गाइस यहाँ पे गाइस ये कमीज को खींच रहे हैं यहाँ पे. ओके, यहाँ पे रुक जाना है, और वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैंची का निशान है, क्लिक करना है ट्रिम टू राइट, टिक करना है ऊपर. और आपको जाना है लेयर पे, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक वीडियो को और सिलेक्ट करना है. ओके, सो मैं यहाँ से ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका साइज यहाँ पे फुल कर लेना है. साइज फुल करने के बाद गाइस आपको वीडियो आगे, गाइस मेरी यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है. तो गाइज मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ. वीडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैच के निशान एक क्लिक करना है ट्रिम टू लेफ्ट. ओके, आप गाइज यहाँ पे दोनों को जोड़ देना यहाँ पे, ठीक है, दोनों लेयर को. सो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ. और गाइज यहाँ पे देख लीजिए वीडियो चेंज हो रही है, यहाँ पे कपड़े गाइज चेंज हो चुके हैं यहाँ पे. और वीडियो आगे इसका नहीं क्लिक करना है, कैच के निशान एक क्लिक करना है ट्रिम टू राइट, टिक का निशान है, टिक करना है. और गाइज आपको जाना है लेयर पे, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक वीडियो और सिलेक्ट करनी. ओके, सो गाइज मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर ली, इसका साइज यहाँ पे फुल करना है, और वीडियो आगे खिसकानी है, और यहाँ पे ये वाला करना है एक्शन, ठीक है. तो खींच रहा है ऊपर को कपड़े, तो मैं इतना कट कर लेता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे कैच का निशान है, क्लिक करना है ट्रिम टू लेफ्ट. और गाइज यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, ठीक है. सो यहाँ पे मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया गाइज. अब करना है क्या, वीडियो आगे खिसकानी है, यहाँ पे खिसका ली, और यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है, थोड़ा आगे खिसकानी, यहाँ पे रुक जाना है. और वीडियो क्लिक करना है, कैंची का निशान है, क्लिक करना है ट्रिम टू राइट. ओके, राइट के करने के बाद गई टिक का निशान है, टिक करना है. और गाइज आपको जाना है लेयर पे, और मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से एक वीडियो को और सिलेक्ट करना है. तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ. सो गाइज वीडियो सिलेक्ट करने के बाद गाइज इसका साइज यहाँ पे फुल कर लेना है. साइज फुल करने के बाद गाइज आपको वीडियो थोड़ा आगे खिसकाना है, यहाँ पे रुक जाते हैं, और वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची का निशान पे क्लिक करना है ट्रिम टू लेफ्ट. और गाइज आप यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पे मैं दोनों को यहाँ पे जोड़ देता हूँ यहाँ पे. ओके, वीडियो आगे खिसकानी है, और यहाँ पे दोनों को जोड़ देना. ओके, सो गाइज यहाँ पे दोनों यहाँ पे जुड़ चुकी है. आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं. सो गाइज आप इस तरह से अपनी एक क्लोथ चेंज वाली वीडियो बना सकते हैं. और गाइज आप करना क्या है, जो हमें फालतू लेयर गाइज जैसे ये नीचे से इस पर क्लिक करना है, कैच निशान पे क्लिक करना है ट्रिम टू राइट, और ऊपर जो ब्लैक लेयर इसे भी कट कर लेना है. यहाँ पे कैच का निशान है, क्लिक करना है ट्रिम टू राइट. और गाइज आप इसमें म्यूजिक ऐड करना है, गाइज आप टिकटॉक से म्यूजिक ऐड कर सकते हैं. और गाइज आप करना है क्या, इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करना है. सेव करने के लिए गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है शेयर का, क्लिक करना है. और गाइज यहाँ से आपको क्वालिटी फुल करनी है. क्वालिटी फुल करने के बाद
गाइज यहाँ पे ऑप्शन से ऊपर एक्सपोर्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप इस तरह से अपनी वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ और गाइज अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।